दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल में सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणाएं होने वाली हैं। हो सकता है कि जब तक ये मेरा वीडियो आपके सामने आए, भाजपा या कांग्रेस की कोई लिस्ट भी आपके सामने आ जाए। लेकिन दोस्तों, ये चुनावी माहौल है। 1 तारीख को हरियाणा में चुनाव होंगे, 4 तारीख को परिणाम आएंगे। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो है भड़ाना बंधुओं की राजनीति किधर जा रही है। दोस्तों, भड़ाना बंधु जो लोग नहीं जानते हैं, फरीदाबाद के अवतार भड़ाना, करतार भड़ाना, दो प्रसिद्ध राजनेताओं के नाम हैं। अवतार भड़ाना हरियाणा से 3 बार सांसद चुने गए हैं, उत्तर प्रदेश मेरठ से 1 बार सांसद चुने गए हैं और MLA भी उत्तर प्रदेश से रहे हैं। वही स्थिति करतार भड़ाना के, जो उनके बड़े भाई हैं, वो सोनीपत के समालखा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक चुने गए और चौधरी बंसीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में सहकारिता मंत्री भी रहे। लेकिन दोस्तों, भड़ाना बंधुओं के बारे में जहां वो अपने धन बल, जातीय समर्पण के आधार पर न केवल हरियाणा या हरियाणा से बाहर भी चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं, लेकिन हाँ, इससे पहले एक और बात बता दूं कि अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की मंगलोर उपचुनाव हुआ था और करतार भड़ाना भाजपा के टिकट पर वहाँ से कैंडिडेट थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो लगभग 400 सीटों से हार गए, 400 वोटों से हार गए। और इसी दौरान वो ये भी घोषणा कर चुके हैं कि वो अब हरियाणा की राजनीति नहीं करेंगे। उनका जो मकसद है कि हरियाणा की राजनीति नहीं करेंगे, तो शायद ये है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से वो काफ़ी समय से राजनीति कर रहे हैं, चुनाव उनाव लड़ते रहे हैं, MLA का चुनाव उनाव जीते हैं, लेकिन जो इसके पीछे का राज है वो हरियाणा की राजनीति नहीं करेंगे। तो जो राजनीतिक सूत्रों से जो हमें खबर मिल रही है, करतार भड़ाना अब हरियाणा में अपने बेटे मन्नू भड़ाना को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन ये बात दीगर है कि वो उसको फरीदाबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ाने के मूड में नहीं है। लेकिन जो खबर है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो पानीपत की समालखा विधानसभा क्षेत्र, जहां से वो 2 बार चुनाव लड़े और मंत्री बने, उस सीट से अपने बेटे मन्नू भड़ाना को भाजपा का टिकट चाहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि समालखा से क्या भाजपा हाईकमान उन्हें टिकट देगा? उसकी भी संभावनाएं कम बताई जा रही हैं। इस मुद्दे पर सोनीपत के एक पत्रकार साथी से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे जो जानकारी दी कि जो समालखा से भाजपा के विधायक धर्म सिंह छोकर हैं, वो भाजपा हाईकमान की नज़रों में उनकी इमेज बहुत अच्छी है,
उन पर कोई लांछन वगैरह नहीं बताया जाता है। और जो राजनीति में, जो आज की तारीख में जो धनबल है उसका बड़ा महत्व है, तो धर्म सिंह छोकर भी बड़े व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसाय से संबंध रखते हैं, शायद खनन का उनका व्यवसाय है, कुछ और भी व्यवसाय है, तो वो किसी भी कीमत पर शायद करतार बढ़ाना से 21 ही पड़ेंगे, कम नहीं पड़ेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि करतार बढ़ाना के जो मन की बात है, और वो चाहते हैं कि वो तो उत्तर प्रदेश से राजनीति करते रहें और उनका बेटा हरियाणा की राजनीति करे, और भाजपा हाईकमान उन्हें उनकी पिछली सीट जिससे वो दो बार जीत चुके हैं, जो समाल खा गुर्जर बाहुल्य सीट है, उससे भाजपा हाईकमान उसे टिकट दे, तो वो उसको वहाँ से चुनाव लड़ाकर हरियाणा की राजनीति में सक्रिय करना चाहते हैं। अब दो चार दिन की बात है, पता चल जाएगा कि वो अब करतार बढ़ाना अपने बेटे को टिकट दिलाना में सफल हो पाते हैं या नहीं। दूसरी तरफ अवतार बढ़ाना की बात में शुरू करने से पहले, जो उनके छोटे भाई हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया, कि ये दोनों भाई फरीदाबाद से बाहर जाकर भी, उत्तर प्रदेश या और प्रदेशों से भी, ये कई सीटों से एमएलए एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं, कभी कभी सफलता मिली है, कभी नहीं मिली है, वो बात अलग है। लेकिन इनके बारे में जो एक बात और है जिसको चटकारे लेकर फरीदाबाद की जनता या राजनीतिक गलियारों में जिस पर चर्चा होती है, कि ये दोनों भड़ाना बंधु, अवतार और करतार भड़ाना, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो जिसमें ये शामिल ना हुए हों, चुनाव ना लड़े हों। लब्बो लुबाव ये है कि सारी पार्टियों की ये परिक्रमा कर चुके हैं, और माना जाता है कि धनबल के वजह से ये कहीं से भी टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं। चलिए ये भी उनकी एक बड़ी बात है, क्योंकि ना केवल टिकट लेने में कामयाब होते हैं बल्कि जीतते भी हैं। लेकिन जो अब जो चर्चा है भड़ाना बंधुओं के बारे में, वो ये है कि एक समय था लगभग तीन दशक पहले से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी, जो बहुत ऊंचाइयों तक गई, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि भड़ाना बंधुओं की राजनीति ढलान पर है। करतार हरियाणा की राजनीति करने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अवतार के बारे में मैंने पहले जानकारी दी, तीन बार फरीदाबाद से सांसद रहे, एक बार मेरठ से सांसद रहे, उत्तर प्रदेश से विधायक भी रहे हैं भाजपा के टिकट पर, लेकिन अब वो दावा कर रहे हैं कि मैं अब अपने पुराने घर लौट आया हूँ, राहुल भैया की शरण में हूँ, मैं हरियाणा में रहकर ही बाकी जिंदगी राजनीति करूँगा और कांग्रेस की राजनीति करूँगा और कांग्रेस को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। यानी वो कांग्रेस हाईकमान और हरियाणा की जनता को ये प्रमाण पत्र देना चाहते हैं कि अब वो दल बदल की राजनीति से तौबा कर चुके हैं। बहरहाल वो पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिस पर उन्होंने अवतार बढ़ाने कहा था कि मुझे जहाँ से राहुल भैया टिकट देंगे मैं वहीं से एमएलए का चुनाव लड़ लूँगा, या जो भी मुझे आदेश करेंगे मैं उसका पालन करूँगा। और उन्होंने कहा था मेरी पसंद की जो सीट है जिनसे मैं टिकट चाहता हूँ वो एनआईटी फरीदाबाद है, पुनहाना है, नागल चौधरी है, तो ये तीन चार सीटें हैं जहाँ से
वो टिकट मांग रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद की राजनीति में वो फिलहाल सक्रिय नहीं है। यहाँ की मीडिया में भी उनकी राजनीतिक चर्चा लगभग ना के बराबर है। मैंने ही उन पर पहले एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने ये बताया था कि अवतार बढ़ाना क्या चाहते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहीं उनकी राजनीति की हलचल फरीदाबाद में तो कम से कम नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि फरीदाबाद जिले की किसी सीट से शायद वे चुनाव लड़ें, और उनका जोर जो है पुनाना सीट से, जो मेवात बाहुल्य मुस्लिम बाहुल्य है, और जो मेवाती मुस्लिम हैं उन पर अवतार बढ़ाना का काफ़ी प्रभाव रहा है, क्योंकि वो जब वो फरीदाबाद से सांसद रहे हैं तो पुनाना फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में ही पड़ती है। तो दोस्तों, मुख्य बात ये थी कि क्या भड़ाना बंधुओं की राजनीति अंतिम दौर में पहुंच गई है, या करतार भड़ाना और अवतार भड़ाना अपने पुत्रों को राजनीति के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि अवतार तो खुद हरियाणा से ही चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं, हरियाणा की राजनीति की ही करने की बात कह चुके हैं, लेकिन करतार इनकार कर चुके हैं कि हरियाणा की राजनीति नहीं करेंगे, और वो अपने बेटे मन्नू भड़ाना को हरियाणा की राजनीति में सक्रिय करेंगे। और देखते हैं कि जिस तरीके से साम दाम दंड भेद से जिस सीट से चाहे भड़ाना बंधु टिकट लाते रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस का टिकट हो, चाहे भाजपा का टिकट हो, चाहे बसपा का टिकट हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल का टिकट हो, या समाजवादी पार्टी का टिकट हो, वो तो मैं पहले कह ही चुका हूँ कि वो सारी पार्टियों की परिक्रमा कर चुके हैं। तो देखना इस बार ये है कि भड़ाना बंधु या उनका परिवार नए सिरे से राजनीति में उभर पाता है या नहीं। हम ऐसा सोचते हैं, जो हम सोचते हैं हमने आपको बता दिया, अपने दर्शकों को बता दिया। आप भड़ाना बंधु की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या करतार भड़ाना अब कभी हरियाणा से चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या अवतार भड़ाना अब हरियाणा की ही राजनीति करेंगे और फिर कभी अब कोई दल बदल नहीं करेंगे, या उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आप देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर कल किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।